كويسك كويسك كويسك. कल का दिन एक तारे के दिन है जो किसी ने रियासत में सोचा नहीं था कि ऐसा होने वाला है, और ये समझो एक अल्लाह की देन ही है जो कुमार स्वामी साहब को कल सीएम का पोस्ट मिल रहा है। आप जेडीएस के एक सीनियर लीडर थे, बाद जमीर अहमद खान जैसे ही उस पार्टी से बेदखल हुए, आपने उन्हीं के फॉलोअर होते हुए उन्हीं की हिमायत में कई जुलूस भी निकाले और आज तक भी उन्हीं के फॉलोअर में काम भी करते आए। आज यहाँ अलिया अल्लाह के दरबार में आकर आपने आपका मकसद क्या है, कल की हुकूमत के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, बीजेपी आरएसएस को कर्नाटक से दूर रखने का जो दो पार्टी का फैसला है, जेडीएस और कांग्रेस का, ये बहुत बड़ा बात है। क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी गवर्नमेंट बनाई है, मुसलमानों को अकलियत को बहुत तकलीफ देते आ रहे हैं, उनका एजेंडा भी कर्नाटक में वही था। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि वो दोनों दूर रखकर, दो पार्टी वाले भी एक होकर, कुमार स्वामी एक सेक्युलर लीडर जो सीएम बनकर 20 महीने अच्छा काम किए थे, उनको जो सीएम कांग्रेस वाले बना रहे हैं, खुशी की बात है। इसी के साथ एक दुख की बात भी है, हम भी करोड़ों के तादाद में कर्नाटक में है, हर क्षेत्र में 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार वोट हमारे भी हैं। जब भी मौका आया है ओहदा देने का, मुसलमानों को हक नहीं मिला है। दोनों पार्टी वालों से डिमांड है कि हमको भी एक डिप्टी सीएम देना चाहिए। इसमें भी जमीर अहमद खान जब जनता दल छोड़ के कांग्रेस को आए, जो 70.8 सीट जनता दल कांग्रेस जीती है, इसमें बहुत बड़ा रोल जमीर भाई का भी है, क्योंकि उनका चामराजपेट क्षेत्र में एक दिन भी नहीं रहे वो। 50 से 60 क्षेत्र में कांग्रेस जहाँ जहाँ भी जीती है, जमीर भाई जाने के बाद 10 से 20 हज़ार वोट कांग्रेस को प्लस हुआ है। जो 70.8 सीट जीती है उसमें जमीर भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। आज और कांग्रेस और जेडीएस मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ा रोल जमीर भाई का है। कांग्रेस पार्टी के लीडरों से और जनता दल पार्टी के लीडरों से डिमांड है और गुजारिश है कि ये बार डिप्टी सीएम मुसलमान को देना चाहिए, क्योंकि आज तक मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं मिला है। क्योंकि मुसलमान हर क्षेत्र में कांग्रेस और जेडीएस को वोट डालने के बाद ये 30 को 20 को 7 जीते, वो 70 को 8 जीते। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि इस बार डिप्टी सीएम मुसलमान को दे, इसमें भी जमीर अहमद खान को दे। जमीर अहमद खान को देने की वजह क्यों, बहुत से लीडर हैं कांग्रेस में, जमीर अहमद खान जब पावर भी नहीं था कर्नाटक में, पूरा एक मिनिस्टर से ज्यादा काम कर रहे हैं, आज हर नौजवान के दिल में जगह बनाए, हर गरीब के दिल में जगह बनाए। ऐसे आदमी को अगर डिप्टी सीएम मिलता है तो आइंदा आने वाले 2019 के इलेक्शन में वो जनता दल को भी फायदा होगा और कांग्रेस को भी फायदा होगा। कर्नाटक में बीजेपी नहीं जीतने के एक ताकत और वोट लेने आने की ताकत किसी को है तो जमीर अहमद खान को। मैं कांग्रेस के हर लीडर से और हाईकमांड से गुजारिश करता हूँ, जनता दल के लीडरों से गुजारिश करता हूँ, इस बार डिप्टी सीएम जमीर अहमद खान को दे और गरीबों का काम करने की एक उनको मौका दे करके आपके से गुजारिश करना चाहूँगा। अजू भाई, आप सियासत में बहुत सीनियर हैं, आप बीजेपी वालों ने ये चैलेंज किया है कि 15 दिन की हुकूमत नहीं टिकेगी, आपके सियासी तजुर्बे से बताइए, क्या ये कांग्रेस और जेडीएस का गठजोड़ 5 साल चलेगा? नहीं, 100% चलेगा, क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं है। आज कांग्रेस वाले 70.8 जीतने के बाद भी 20.7 जीतने वालों को जाकर 20.7 जीतने वालों को जाके आइए आप सीएम बनाइए करके वो खुद दिए, चलाने के लिए दिए, नहीं रहता तो नहीं देते थे, ये ढूंढ लेके फिरना। कुमार स्वामी पर कहीं ना कहीं ऐसा प्रेशर डाला जाएगा उनका, उनके बयान के मुताबिक कि वो ऑटोमेटिक मतलब हुकूमत को डिसॉल्व कर दे, ऐसा हालात पैदा करने वाले हैं। आज क्या हो गया है, कांग्रेस भी बीजेपी को दूर रखना चाह रही है, जनता दल भी बीजेपी को कर्नाटक से दूर रखना चाह रही है। 2019 का इलेक्शन भी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बड़े समझदार लोग हैं और सब सेक्युलर है, तजुर्बा है, क्योंकि हमारे आपस के ना इत्तेफाकी से दूसरों को फायदा होगा मालूम है। बीजेपी की चाल नहीं चलेगी, 5 साल कुमार स्वामी सीएम बनकर अच्छा काम करेंगे, मुझे भरोसा भी है। अगर 5 साल अच्छा काम करना है तो जमीर अहमद खान के सर के एक मुसलमान के बड़े लीडर को वो डिप्टी सीएम बनाकर जोड़ में रख लेंगे तो 5 साल कंप्लीट होगा।